मेरी हैंडराइटिंग, इसको सिर्फ तीन ही लोग समझ सकते हैं, आई मी एंड माई सेल्फ। अब इस तीन लोग जो इसको समझ पा रहे हैं, इसको 300 या 3000 कैसे किया जाए। मेरी हैंडराइटिंग मे नॉट बी द बेस्ट, मेरे को पता है आप लोगों की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होगी, लेकिन हाँ, ये जिस स्पीड से मैंने लिखा है वो मैटर करता है। देखिए, हैंडराइटिंग बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है। आज भी लोगों को ईमेल से ज़्यादा अगर आप कोई पर्सनल अपने हाथों से लिखा हुआ लेटर, उसकी फ़ोटो खींच करके भेजेंगे तो उसकी वैल्यू सामने वाला ज़्यादा करेगा। तो ये बहुत ही यूनिक स्टाइल होता है किसी का, आपका, मेरा, हम सब का एक यूनिक स्टाइल है हमारी हैंडराइटिंग। मेरी हैंडराइटिंग, मैं नहीं कह रहा कि सबसे बेस्ट है, वो वैसे एम भी नहीं है। एम ये होना चाहिए कि हमारी हैंडराइटिंग लिखने में ऐसी होनी चाहिए कि वो फास्ट हो, आप जल्दी जल्दी लिख पाओ, क्योंकि आपको अगर एग्जाम में लिखना है या फिर इन जनरल लिखना है, वाई टू वेस्ट टाइम इन मेकिंग ड्राइंग्स एंड ऑल। कोई कैलीग्राफी थोड़ी कर रहे हैं हम, कैलीग्राफी में आपको ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हैंडराइटिंग में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका ऐसा ही होना चाहिए। साफ दिखना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फास्ट होना चाहिए और ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, आसानी से समझ में आ जाए। आसानी से जैसा भी समझ में आ गया, वैसी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे जैसे एग्ज़ाम हम लोग देते हैं या सुबह उठते हैं, आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी है, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे हम लोग वर्कआउट करने से पहले, बहुत 50-50 किलो का उठाने से पहले, पहले 5 किलो 10 किलो से वार्म अप करते हैं कि नहीं। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि प्रूवन है कि बहुत अच्छी होती हैं, आपको सुबह सुबह या एग्ज़ाम आप देने वाले हो, मान लो आपको पेपर मिल गया है आपका और आप अपने पेपर में कुछ लिखने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले 5 मिनट बचा है, 5-10 मिनट बचे हुए हैं, उस समय आप क्या कर सकते हैं, उस समय आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह की पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, और ये करना भी चाहिए, ऐसी पैरेलल लाइंस और ब्रोकन पैरेलल लाइंस, कुछ इस तरीके की ब्रोकन पैरेलल लाइंस ड्रॉ करिए। ये हो गई हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस, ब्रोकन परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करिए। इससे क्या होगा, आप एक तरीके से अपने हाथ को वार्म अप कर रहे हैं। अभी तो मैं डिजिटल बोर्ड में कर रहा हूँ, तो देखिए हमें तो डिजिटल बोर्ड में भी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हम ऐसे कर पा रहे हैं। उसके अलावा आप क्या करेंगे, आप कुछ इस तरीके का शेप्स बनाएंगे, ऐसे शेप्स, ऐसे ऐसे ही तो शेप्स से हमारे लेटर्स बनते हैं कि नहीं, इसी तरह के शेप्स से हमारे लेटर्स बनते हैं। कुछ ऐसे प्री डिफाइंड शेप्स होते हैं जो कि इस तरह के शेप्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। कभी आप बी लिख रहे हैं तो आपको पता है कि बी कुछ नहीं होगा, इसी का एक पार्ट होगा। डी लिख रहे हैं तो इसका एक पार्ट होगा। सी ये कुछ नहीं होगा, यही होगा। ई जब आप लिखेंगे तो इसी के पार्ट होगा जिसमें आप ई बना देंगे, राइट। जी लिखेंगे तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब जैसे ये दोनों जुड़ेगा ऐसे, और ऐसे ही करके तो फिर फाइनली ऐसे जी बनेगा, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे जी नहीं बना रहे, लेकिन आप समझ रहे हो कि जब ये दो पार्ट ऐसे जुड़ेंगे और ऐसे जाएगा तभी तो एक क्लियर जी बनेगा। तो इसीलिए ये कुछ ऐसी वार्म अप वाली चीज़ें होती है जो शुरुआत में आप जब करते हैं तो 2 मिनट भी नहीं लगता, ये आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोग बोलते हैं कि पेन ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, ऐसा करो, वैसा करो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर 2 रुपये वाली पेन भी है, 5 रुपये वाली पेन भी है, 50 रुपये वाली पेन भी है, आपको जिसमें कम्फर्ट फील हो जाता है वो पेन बेस्ट होती है। आपको जिसमें कम्फर्ट फील हो गया वो पेन बेस्ट होती है। आपको ये देखना है कि उस पेन में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्मज, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्मज। स्मज का मतलब ये होता है कि कुछ कुछ पेन्स होती है ना, थोड़ा बहुत लिखो तो आप एक ऐसे एकदम कहीं पे एंड किए, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सागर और मैंने यहाँ पर एंड किया, तो ये यहाँ पर ऐसे कुछ छोड़ देता है, स्मज छोड़ देता है, एंड में इंक छोड़ देती है पेन्स, तो पेन ऐसी ना हो, ठीक है। कई कई ऐसी 50 रुपये की पेन भी मिलेंगी जो ऐसी स्मजिंग कर देती हैं, तो इसीलिए वो एक स्मज ना करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसमें उस पेन में जो ग्रिप होनी चाहिए वो ग्रिप शानदार होनी चाहिए, ज़बरदस्त ग्रिप होनी चाहिए। मतलब ग्रिप ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको पकड़ें तो आपको उस वो ग्रिप में फ्रिक्शन मिले, अच्छा खासा फ्रिक्शन अच्छा खासा मिले, बहुत स्मूथ ना हो। वो पेन एकदम स्मूथ होगी तो आपको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद जो पकड़ने की जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये जो पेन पकड़ने का जो डिस्टेंस होना चाहिए ये बहुत ही कम नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरीके से लिखेंगे तो कंट्रोलिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट। अगर हम बहुत सामने से लिखेंगे तो हम बहुत तेज़ नहीं लिख पाएंगे। अगर मैं बहुत सामने से इन्हीं चीज़ों को लिखूंगा तो ये बहुत मेरी राइटिंग ही स्लो हो जाएगी, काफ़ी स्लो हो जाएगी, मूवमेंट नहीं हो पाएगा। मूवमेंट करने के लिए दूर से मूवमेंट किया जाता है। तो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस आपको देखना है कि आपका ऑप्टिमम डिस्टेंस बेस्ट से बेस्ट क्या है। उसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आप राइट हैंडेड हैं
तो पेपर को, जैसे मेरी आदत है, मैं जब पेपर में लिखता हूँ, अभी बोर्ड को तो मैं नहीं टिल्ट कर सकता, लेकिन जब मैं पेपर में लिखता हूँ तो पेपर को मैं थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट करके लिखता हूँ। आपकी भी किसी की आदत है ऐसी? अगर है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग भी ऐसे हैं कि मैं अकेला ही अनोखा टाइप का ऐसा हूँ? तो मैं जब लिखता हूँ तो पेपर को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके लिखता हूँ, तो ये मुझे एक पता नहीं क्यों एक बहुत ही अच्छा एक ग्रिप भी प्रोवाइड कराता है, एक ओरिएंटेशन भी देता है, और लिखने में बहुत ज़्यादा हाथ भी दर्द नहीं करते। वो सबका अपना बॉडी स्टाइल भी रहता है। और मुझे लगता है इसी तरीके से अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड लोग होंगे जो लेफ्ट हैंड से लिखते होंगे, वो लोग आई थिंक अगर इस तरीके से लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम, कुछ इस तरीके से, राइट? तो थोड़ा सा पेपर को टिल्ट कर सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड लोगों के लिए है और ये जो है ये राइट हैंडेड लोगों के लिए है, ठीक है। उसके अलावा जब भी कभी आप लिखने में शुरुआत जब आप कर रहे होते हैं तो कुछ मिनटों तक के बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर राइटिंग। कुछ टाइम रहेगा यार, 5-10 मिनट की बात होगी, 5-10 मिनट के लिए बहुत कॉन्शियस रहिए कि आप जो लिख रहे हैं क्या वो सही से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अगर आप कॉन्शियसली लिखेंगे, जैसे स्टार्टिंग में कोई स्टेटमेंट आप लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट, लेट्स, अब मैं इसमें बहुत ही कॉन्शियस हो रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अगर मान लो हम ऐसा लिख देते हैं शुरुआत में, हम थोड़ा सा कॉन्शियस होकर अगर लिखें इस तरीके से तो क्लैरिटी विल बी मोर, आपके अक्षर अलग अलग क्लियरली दिखेंगे। इट्स नॉट अबाउट, माइंड यू फ्रेंड्स, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग योर हैंड राइटिंग द बेस्ट, इट इज एक्चुअली अबाउट मेकिंग इट फास्टर टू राइट एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। आपको पता लगाना होगा आपको बेस्ट क्या सूट करता है। इसी चीज़ को मैं बहुत तेज़ी से भी लिख सकता हूँ, इसको बहुत तेज़ी से लिख के दिखाऊँ, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब नहीं होने वाली। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बहुत ज़्यादा मेरी हैंड राइटिंग खराब नहीं होगी, लेकिन फिर भी मेरा तो काम बन गया, ना किसी को तकलीफ होगी समझने में। एग्जाम में अगर मैं कुछ जल्दी में हूँ और मुझे लिखना है, मैंने जब अपना यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर दिया था, उसमें मेंस का जो पेपर था, मेंस पेपर में बहुत लिखना पड़ता है, खासकर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल होता है, ओपन चैनल फ्लो के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे, हमारे रेलवे के एयरपोर्ट के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे, एनवायरमेंट क्या थे, सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने भर भर के लिखे थे आंसर्स, और इसी वजह से लिख पाया था क्योंकि मेरी फास्ट हैंड राइटिंग भी है और सामने वाले को समझ में भी आता है। इसके लिए मैंने क्या किया है, मेरी पहले की हैंड राइटिंग बताता हूँ जो काफ़ी रिलेटिवली ख़राब थी। पहले मैं ऐसे लिखता था, देखिए पहले मैं कुछ इस तरीके से लिखता था, लेट्स स्टार्ट ऐसे लिखता था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये क्या है, ये कर्सिव राइटिंग कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्सिव राइटिंग। मैंने कर्सिव राइटिंग से फिर शिफ्ट किया इसमें, इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि इसमें कई कई बार आप देख रहे हो, जैसे देखो मैंने वर्ड क्यों लिया एनवायरमेंटल, इसीलिए लिया क्योंकि एन है, वी है, आई है, सब एक साथ आ रहे हैं। ऐसे में क्या है, सामने वाला मेंटल हो जाता है, मेंटली परेशान हो जाता है कि ये एक्चुअली में इस जोन में क्या लिखा हुआ है। तो जब कभी भी अगर आपको आपकी कर्सिव राइटिंग में ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता है, मान लीजिए आपकी भी ऐसी राइटिंग है, तो आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे देखो ये बहुत ब्यूटीफुली लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है एनवायरो, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अगर फॉलो करेंगे आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कॉन्शियसली आपको करना है। एक वार्मअप जैसे बॉडी का वार्मअप होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने स्टार्टिंग में कुछ इस तरह का वार्मअप कीजिए, ठीक है। फास्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड हैंड राइटिंग होनी चाहिए। पेन वेन मैटर नहीं करती है कौन सी पेन हो, हम 5 रुपये की पेन से भी एग्जाम देकर के आए हैं, 5 रुपये की 2 पेन 4 पेन रख लो, उससे भी हम एग्जाम देकर के आए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वॉट एवर सूट्स यू द बेस्ट, वॉट एवर सूट्स यू द बेस्ट, इट इज़ अ पर्सनल चॉइस। हैंड राइटिंग एक पर्सनल चॉइस होती है, पेन की चॉइस भी एक पर्सनल चीज़ होती है। एक पर्सनल चीज़ पे अपना खुद का अधिकार होना चाहिए। तो आप इटरेट कर करके देखो कि विच सूट्स यू द बेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से स्मजिंग ना हो, ग्रिप अच्छी हो, राइट हैंडेड हो तो थोड़ा पेपर टिल्ट करके लिखो, लेफ्ट हैंड हो तो थोड़ा इस साइड पेपर टिल्ट करके लिखो ऐसे लिखते वक्त, और कुछ स्पेसिंग अच्छी दो, ठीक है, स्पेसिंग अच्छी दो, और जो आपको दिखने में अच्छा लगे, जिसमें फील अच्छा है, ठीक है, दूर दूर लिखो। और मोर ओवर, नाउ द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, क्योंकि हम हमारी हैंडराइटिंग को बचपन से देख रहे हैं, और चूंकि हम हमारी हैंडराइटिंग को बचपन से देख रहे हैं, हम तो जानते हैं हमने क्या लिख रखा है, आई मी माई सेल्फ। लेकिन आप अपने अगर दोस्तों से थोड़ा पूछेंगे कि एक बार रीड करके बताओ क्या सारे लेटर्स आपको क्लियरली समझ में आ रहे हैं, अगर उसको समझ में आ रहे हैं, 2-4 लोगों को समझ में आ रहे हैं, बस ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जब भी कभी यूपीएससी में आप आंसर्स लिखते हो, अपने एग्जाम में लिखते हो,
तो जो पेपर चेक करने वाला उसको बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत लोड है बहुत सारे पेपर्स का, तो इट विल बी ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा क्लियरली लिखो ताकि एक कॉन्फिडेंस भी झलकता है आपकी हैंडराइटिंग में और साथ ही साथ सामने वाले को परेशानी नहीं होती आपका पेपर करेक्ट करने में। तो बस यही वजह होती है अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग योर हैंडराइटिंग द बेस्ट, सबकी बेस्ट हो भी नहीं सकती, लेकिन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि समझ में आ जाए और आप तेज़ी से लिख सको। आपको दोनों चीज़ों पर काम करना है, समझ में आ जाए और तेज़ी से लिख सको। तो जो कुछ पॉइंट्स बताए आई होप आपको हेल्प करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसको भी, और सागर डोडिजा चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा जिसमें हमारी इंग्लिश मास्टरी की वीडियोज़ हर हफ्ते आती हैं। वर्ड पावर मेड इजी जो कि नॉर्मन लुईस की किताब है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं और वो चल ही रहा है सारे के सारे सेशंस, उसको देखिए और बहुत सारी लर्निंग लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।